कपिल सर ने जो आवाज़ दी है वो तो सोने पे सुहागा हो गया, और कीकू जी भी हैं, अर्चना जी ने भी आवाज़ दी है अपनी, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इंडिया में ऐसी फिल्म आती है और जब अपने ही डब करते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और कपिल जी तो हैं, तो चार चांद तो ऐसे लग गए काफ़ी। मेरा तो भी शूट से मैं डायरेक्टली भाग कर आया हूँ, मैंने बोला जल्दी पैकअप करो, फिल्म देखनी मुझे, सो आई एम सो एक्साइटेड। कपिल शर्मा की आवाज़ तो जब इनका शो बीच में बंद हो गया था तो हम सुनने के लिए तरसते थे कि कब कपिल वापस आएंगे और कब हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। इनफैक्ट यूट्यूब पे देखते थे रिपीट शोज, एंड थैंकफुली अब सब सही है एंड ही इज बैक ऑन द टीवी। यस, और आजकल मैंने देखा है कपिल जी ने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली है, तो डेफिनेटली एंग्री बर्ड से काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं कपिल जी ने, रोल्स रॉयस ले आए हैं। एंड अर्चना पूरन सिंह, उनकी तो लाफ्टर ही इतनी इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, और देखते हैं मैम ने क्या कमाल किया है इधर। बहुत एक्साइटेड हूँ, ट्रेलर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से उन्होंने एंग्री बर्ड 1 बनाई थी उसी तरीके से और भी इस बार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। ट्रेलर देखने से पहले भी देवा सिंह मैम आपकी वॉइस कमाल है, मैंने कहा ट्रेलर रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक मेरा, बट दैट्स द फैंस हु आर सेइंग इट। लेकिन मतलब आई हैव नेवर बीन अप्रिशिएटेड फॉर माय वॉइस, यू नो, हमेशा लोग बोलते हैं आपका यही सीन पसंद आया या ये फिल्म पसंद आई या ये सीरियल, लेकिन अब पहली बार मुझे मैम योर वॉइस इज़ वेरी नाइस, तो ये एक नई चीज़ है। एंड हमेशा आवाज़ तो कभी नहीं दी, हमेशा परफॉर्म किया है, पहली बार आवाज़ के थ्रू परफॉर्म किया है, सो एक चैलेंज भी था, एंड आई एम फीलिंग सो गुड बिकॉज समथिंग न्यू आई ट्राइड एंड इट इज़ इवन मोर सेटिस्फाइंग आई थिंक समटाइम दैन अ बैड रोल, यू नो, यू फील चलो ठीक है काम है, बट दिस थिंग ऑफ वर्किंग इन अ हॉलीवुड फिल्म विद पीपल ऑफ योर टीम कपिल एंड कीकू, एंड वॉइस के थ्रू अपने आप के या इमोशंस या ह्यूमर को बयां करना, दैट वाज वंडरफुल। मैं सालों से कह रहा हूँ कि असली विलन ये है, लेकिन कोई मानता नहीं था मेरी बात, अब समझ में आया लोगों को कि हाँ ये विलन है, लेकिन क्यूट विलन है, क्यूट विलन, बहुत क्यूट विलन है ना, बट आई लव द, मैंने जब ये इसका प्रोमो देखा, इसका जो ट्रेलर देखा, आई थिंक वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट promos that I've seen, yeah. Really, and she did a fantastic job, I think. आज ही appreciate कुत्ते के साथ जो आज ही बोल रहा था यार ये बहुत अच्छा है, ये जो तूने किया है अच्छा किया है, मैंने कहा कम तारीफ करता है तो इसलिए I'm very happy। तीन फनी लोग इकट्ठे हुए हैं और वो भी अपनी मर्जी से बोलने के लिए, और बोलने के लिए सबसे ज़्यादा इससे बड़ा चैम्पियन कौन मिलेगा एंग्री बर्ड को कि खुद कपिल शर्मा मिल गया बोलने के लिए। और कपिल शर्मा की हाजिर जवाबी सब जानते हैं, और मुझे पता है उसको जो स्क्रिप्ट मिली होगी उससे हटके उसने कुछ ना कुछ बोला ही होगा, 100%. और जो बोला होगा उस पर बहुत बड़े लाफ्टर आने वाले हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वो ह्यूमर जो इंग्लिश में नहीं होगा वो हिंदी में हमें ज़्यादा मिलेगा। सो ढींगरा साहब आप भी कुछ? मेरा तो बच्चा इस एंग्री बर्ड का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो साथ आया, कपिल उसको डब कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली होगा। मतलब एक एक बाप क्या बोलते हैं, बाप का दोस्त है, दूसरा बच्चे का दोस्त है, बच्चे का दोस्त है। पर्सनली काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने भी ट्रेलर देखा, एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला कि भाई ये तो फनी है। मतलब अब वो तो खैर भाषा का भी एक बैरियर होता है कि इंग्लिश का ट्रेलर और हिंदी में फ़र्क तो है, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं, जो मैंने भी, जो मैं अपना कैरेक्टर प्ले करता हूँ शो में बच्चा यादव, मैंने उसी अंदाज में ये कैरेक्टर भी किया है, तो मेरे ख्याल से कपिल और बच्चा यादव की नोकझोंक इतनी ज़्यादा शो में भी होती है और वही आवाज़ें फिर आप एक इन कैरेक्टर्स में सुनते हो तो एक रिलेटेबिलिटी बढ़ती है, तो लोगों ने काफ़ी उन आवाज़ों को पहचाना और उस पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला। एक्साइटेड हूँ कि कपिल ने और कीकू ने और अर्चना जी ने, तीनों ने आवाज़ दी है। अर्चना जी ने बहुत जज किया, अभी मैं जज करूँगा ऊपर जाके कि कैसी डबिंग की अर्चना जी ने, अभी मेरा टाइम है जज करने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये बच्चों का फर्स्ट टाइम है थिएटर में, दे हैव नेवर बीन टू अ थिएटर, मूवी थिएटर, तो अच्छा हाँ ये फर्स्ट टाइम कोई फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, हाँ तो कभी थिएटर में आए नहीं है। अभी हमारी फिल्म रिलीज हो रही है जो कश्मीरा ने डायरेक्ट की है, मरने भी तैयार हूँ, लेकिन उसके उस वो भी नहीं दिखाई, फर्स्ट टाइम एंग्री बर्ड दिखा रहे हैं हम लोग। वेरी एक्साइटेड यार, मुझे तो सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने द लायन किंग देखी थी एंड उसमें यू नो इंडियन आर्टिस्ट ने जैसा सबने शाहरुख ने सबने आवाज़ दी थी, एंड वी वर वेरी हैप्पी, हम लोगों ने हिंदी का शो देखा था, हिंदी डब शो देखा था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि कपिल
and you know who else did that? Kiku and Archana. Archana ji. So in sab ne jinhone apni voice diye, they are great artists, yeah, voice artists, and I'm looking forward to it actually. I personally am a fan of Kapil Sharma and everybody, you know, in the gang. So I'm very excited because I'm a fan of Angry Birds also. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आई थिंक मिक्सचर होने वाला है यू नो विद इंडियन वॉइसेस फेमिलियर वॉइसेस हैं लेकिन नए अवतार में हैं तो बड़ा क्यूट सा इनफैक्ट स्पेशली पता क्या कपिल को हम सबने हंसाते हुए देखा है सबको और हंसते हुए देखा है सो एंग्री बर्ड में उनकी आवाज़ कैसी लगेगी बींग एंग्री वो कैसे साउंड करेंगे यू नो विद पंजाबी तड़का